नमस्कार दोस्तों, हमारी खट्टी मीठी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक तथा शेयर करें। रही हूँ गोभी पराठा, जो कि गोभी पराठा बच्चे सबको बहुत पसंद है। आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में बना सकती हैं, बच्चे सबके लंच बॉक्स में दे सकती हैं, डिनर पर भी सर्व कर सकती हैं। तो गोभी पराठा बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो गोभी पराठा बनाने के लिए देखिए, ये मेरा गोभी है जो लगभग 500 ग्राम होगा, दो फूल है। ये मेरा 250 ग्राम आटा है, गेहूं का आटा मैंने यहाँ ली है, गेहूं के आटे से ही बनता है। और मसाला है इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन है, तीखा के अनुसार आप डाल सकती हैं। तो यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर ली हूँ आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, जीरा आधा चम्मच, अदरक जो मैं कद्दूकस की हूँ, ये है मेथी कसूरी मेथी, और यहाँ पे है हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया बारीक कटा हुआ, ये मेरा पानी है आटा गूंथने के लिए, और ये है मेरा हींग, और ये है मेरा तेल, रिफाइंड तेल है। मैंने गैस पे ये कढ़ाई रखी हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि आटा गूंथ के उसको रख दूंगी सेट होने के लिए। फिर उसके बाद मैं जब तक आटा मेरा सेट होगा तब तक मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी। गोभी पराठा बनाने के लिए मैं एक बर्तन में आटा ले लूंगी, और जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम आटा को गूंथ लेंगे। पानी से हम अच्छे से आटा को गूंथ लेते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं। इसी तरह से मैं अब थोड़ा और आटा को अपने अच्छे से गूंथ लेती हूँ, फिर रख दूंगी 10 मिनट सेट होने के लिए। तब तक मैं अपना गोभी कस लूंगी। देखिए मेरा आटा अच्छे से गुथा गया है। मैं इसमें एक चम्मच रिफाइंड तेल लगा के इसको अच्छे से मैं सेट होने के लिए रख दूंगी। इससे मेरा पराठा जो है गोभी का बहुत सॉफ्ट बनेगा। तरह से लगा के इसको डो बना के हम ढक के रख देंगे। ऐसे हम इसमें रख के इसको हम ढक के 10 मिनट के लिए रख दूंगी। तब तक मैं अपना गोभी कद्दूकस कर लूंगी। देखिए मेरा गोभी है, अब मैं इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। ये डंठल जो है इसको नहीं मुझे कसना है, बस ये जो फूल है गोभी का इतने तक मुझे कसना है, डंठल का नहीं बनाना है। ऐसे मैंने एक बर्तन में कस लूंगी। इसी तरह से मैंने सारा गोभी को कस लूंगी। देखिए इसी तरह से सारा मुझे कस लेना है। मेरा सारा गोभी कसा गया है। ये दो फूल मेरा गोभी था, देखिए इतना निकला है कद्दूकस किए तो। अब मैं इसको कढ़ाई में, देखिए मेरा गैस पे कढ़ाई गर्म हो रहा है, अब मैं इसमें भूनूंगी इसको। देखिए तेल में डाल रही हूँ। मैंने छोटे चम्मच से 4 चम्मच तेल डाली हूँ। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, हरी मिर्च, अदरक, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, हींग, चौथाई चम्मच डाल दी हींग मैंने, कसूरी मेथी, लाल मिर्चा पाउडर आप अपने तीखा के अनुसार रख सकती हैं, अजवाइन,
इसको थोड़ा से ब्राउन होने देते हैं। नमक स्वाद अनुसार, मैंने 2 चम्मच लिए हैं नमक। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, मैं थोड़ा इसको चला देती हूँ। देखिए मेरा हो गया है ब्राउन हल्का। अब मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ गोभी डाल देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूंगी अच्छे से। भुना गया है थोड़ा सा, और मैं इसको 2 मिनट भून देती हूँ। तो चलाते रहेंगे, कढ़ाई में मेरा सटे ना। ये लगभग मेरा हो गया है। अब मैं इसको उतार दूंगी और अपना तवा गरम करूंगी। आप चाहे तो तेल में तल सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, चाहे पराठा तवे का। मैं तवा का पराठा बनाऊंगी। ये मेरा हो गया है, अब मैं इसको उतार देती हूँ। देखिए मेरा आटा सेट हो गया है, 10 मिनट हो गया। ये मैंने इसमें धनिया मिला के यहाँ रख दी हूँ भरने के लिए। तवा भी मेरा गर्म हो रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा तेल गिरा के उसको थोड़ा साफ कर दूंगी कि इसमें मेरा पराठा चिपके ना। देखिए मैंने इतना बड़ा साइज लिया ली हूँ इसको, ऐसे गोल करके मैं इसमें भरूंगी। देखिए ऐसे करके इसको भर के अच्छे से दबा करके मैं इसको बंद कर दूंगी। चकले पे ऐसे दबा दूंगी, आटा लगा करके थोड़ा हाथ से बड़ा कर दूंगी। फिर मैं बेलन के सहारे से इसको हल्का हल्का बेल दूंगी। देखिए मेरा इतना बड़ा साइज बना है। मेरा तवा गरम है, अब मैं इस पे डाल दूंगी, सारा बना लूंगी। देखते हैं कहीं मेरा ब्राउन हो गया। देखिए मेरा ब्राउन हो गया है हल्का। अब मैं इस पे तेल लगाऊंगी। आप चाहे सरसों के तेल यूज कर सकते हैं, मैं तो यहाँ रिफाइंड तेल ली हूँ। इधर अभी थोड़ा और हल्का ब्राउन हो जाने देती हूँ। इधर भी ब्राउन हो गया है, अब मैं इस साइड भी तेल लगा दूंगी। कर देती हूँ थोड़ा, अच्छे से दबा देती हूँ उसे, दबा दबा को इसको सिझा दूंगी। देखिए मेरा अच्छे से ब्राउन हो गया दोनों साइड में। अब मैं इसको इस प्लेट में निकाल लूंगी। मेरा गोभी पराठा अच्छे तरीके से बन गया है, पूरा हमने बना लिया है। ये बहुत टेस्टी लगता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।